मैंने कल परसों एक बात बताई थी, आप सब नहीं थे, कुछ लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आपस में यार दोस्त थे, उनको लगी भूख, एक के पास खाना था, मिठाई सुखड़ी बनाते हैं गुजराती लोग, सुखड़ी थी, नमकीन, थोड़े लड्डू भी थे और खाखरे थे, खाखरे गुजराती में खाखरा, खाखरे होते ना सूखे गोल गोल, वो खाखरे थे। अब दोस्तों को पता था ये है एक नंबर का कंजूस, निकालेगा नहीं माल। तो एक बड़ा चालाक था, उसने एक दूसरे को इशारा किया और हाथ देखने लगा, तुम्हारे भाग्य में पैसे का तो बहुत सुंदर योग है, बहुत पैसा है, वाह वाह, और आयु की रेखा भी लंबी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दूसरा आया, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, हाँ हाँ, तुम्हारे भाग्य में तो विदेश गमन का लिखा हुआ है, विदेश का योग है, यात्रा है विदेश की, पक्का तुम अमेरिका जाओगे, डॉलर खूब कमाओगे। वो भी सुन रहा था, जिसके पास माल था खाने पीने का, वो भी सुन रहा था। ये भी हुआ अधीर के मैं भी मेरा हाथ दिखाऊं, लोगों को होती है लालसा, कईयों को अपना भविष्य जानने की इच्छा बहुत होती है, जितना लोगों को भविष्य जानने की इच्छा है ना, उतना अगर भविष्य सुधारने की इच्छा हो जाए, कल्याण हो जाए, जानने की क्यों इच्छा करते हैं, सुधारने की करो हुजूर, सुधारना है जानना नहीं है। जान ना मेरे हाथ में क्या ले, जरा देखो, जान कर करोगे भी क्या, वो बोलेगा कि शनि का कोप है, फिर क्या करोगे, वो बोलेगा चौथे स्थान पर राहु बैठा है, पांचवे में केतु बैठा है, मेरे को कोई मिले, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मेरे को कोई पंडित ऐसा मिला नहीं है, मेरे को मिले तो मैं बोलूं ना राहु बैठा ना केतु बैठा, तू बैठा है, तू केतु नहीं, तू बैठा है, तू उतर नीचे, बाकी सब ठीक है, ये बैठा है, ये बैठा है। उनको बेचारों को क्या पड़ी है, आकर बैठ जाएंगे हमारी जन्म कुंडली पे, बैठ जाएंगे, हे भगवान तुम सर्वशक्तिमान। एक कुछ करने की जरूरत नहीं, 40 मिनट रोज एक प्रयोग करें ना हम सभी, 40 मिनट एक टक गुरु मूर्ति की ओर देखो, बड़े व्यापक परिणाम आ सकते हैं, बड़े व्यापक परिणाम आएंगे। कोई नंग पहनने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई तावीज पहनने की जरूरत नहीं है, जन्म पत्री को आग लगाते देखने की जरूरत ही नहीं है, 40 मिनट तक रोज करें, एक टक देखे बस, आंखों की पलकें हिलने न दें, व्यापक परिणाम आएंगे। करके देखें, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। चालू करें, प्यार से करें, त्राटक नहीं करना, प्यार करना, प्यार प्रेम। हाँ, बाकी जो साधना में ऊंचे उठे उनके लिए तो वास्तव में सुख दुख मायाकृत परमार्थ ना है। जिन्होंने समता में स्थिति पाई है, जो समता के आसन पर जाकर बैठ गए, उनको चोट नहीं लगती। देखो ध्रुव का अपमान हुआ है ना, ये कथा सबको पता है, ध्रुव को उसकी सौतेली माँ ने थप्पड़ मार दी और कहा कि तुझे पिता की गोद में बैठना, तो पहले भजन कर भगवान का, फिर मर जा, फिर मेरे गोद से, मेरे कोख से जन्म ले, तब बाप की गोद में बैठ सकेगा। अपमान कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हम कथा के विस्तार में न जाएं, पर ध्रुव का अपमान होने के बाद देखो क्या हुआ। अपमान हुआ तो बदला लेने की भावना नहीं आई, बलिदान दिया, महल छोड़कर ध्रुव चले गए और गुरु नारद जी मिल गए, जप करने लगे, तप करने लगे। दूसरा अपमान हुआ विभीषण का, भरी सभा में लात मार दी, मंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी था, लात मार दी सबके बीच, कितना अपमान है। पर विभीषण ने बदला लेने की सोची, आप बताओ, नहीं, विभीषण ने तो घोषणा कर दी, राम सत्य संकल्प प्रभु,
सभा काल वश तेरी मैं जायऊ रघुवीर शरण। मैं तो अब उनकी शरण में जा रहा हूँ बस। तो अपमान होने पर ये भगवान की दिशा में मुड़ गए दोनों, ध्रुव भी और विभीषण भी। आज देखो दुनिया में अपमान कई लोगों का होता है, आपका हमारा कई बार अनुभव होते हैं, संसार में कई लोगों का अपमान होता है, पर देखो अपमान होने के बाद ईश्वर की दिशा में कितने मुड़ते हैं। बलिदान का भाव आता है कि बदले का भाव आता है, ये देखना है, तब पता चले कि साधना कितनी है, तब पता चले समता कितनी है। बदले की भावना ना आए, बलिदान की बदला लें, हम इसको भी मजा चखाएं, इसका भी ऐसा करें, इसका भी, ये मूढ़ता की पहचान है। बलिदान की भावना आनी चाहिए, बलिदान, बदला नहीं। पति पत्नी गए आगरा, ताजमहल देखकर पत्नी ने कहा देखो एक वो भी था, पत्नी की याद में महल बना दिया उसने इतना आलीशान, आप क्या करोगे मेरे लिए? वो बोला तू मर जा बाद में सोचूंगा। पत्नी ने ठान लिया, अपमान हुआ ना, अपशब्द कहे अपमान हुआ, तो उसने भी ठान लिया मैं भी बदला लेके रहूंगी, बलिदान नहीं बदला। थोड़े दिन के बाद वो फिर कहीं और घूमने गए, कर्नाटक के तरफ कहीं, तो वहां एक क्रॉस देखा, जीसस का होता ना क्रॉस, क्रॉस उसमें जीसस की भी मूर्ति थी, लटके हुए हैं बेबस विवश। तो उस महिला ने क्या किया, उसके पैर छुए, जीसस के मूर्ति में पैर छुए। पत्नी ने कहा कि वाह आज तक तूने मेरे पैर छुए कभी, इसके पैर छूती है मेरे क्यों नहीं छूती? बोले आप भी पहले लटक जाओ इधर फिर छूलूंगी। बदला ताजमहल वाला, ताजमहल वाला बदला, पहले आप लटक जाओ फिर मैं छूलूंगी। ये बदले की भावना, जहां श्रद्धा होगी वहां स्पर्धा नहीं होगी, जहां बलिदान होगा वहां बदले का भाव नहीं होगा। क्यों? हनुमान जी कहते हैं आप कहो तो मैं मृत्यु को मार डालूं, क्योंकि हनुमान जी आखिर शिव जी के अवतार हैं, और शिव जी करालम महाकाल, कालम कृपालम, काल के भी काल महाकाल है। तो हनुमान जी कहते फिर बोले नहीं, मृत्यु, मृत्यु को मैंने बनाया है, लाकि लोग चले ईश्वर की ओर, पता चले कि शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने के पहले अक्षर का अनुभव करना, शरीर क्षर है, शरीरी अक्षर है, और उसकी एकता ईश्वर से उसका अनुभव हो। खैर तो हनुमान जी ने कहा फिर अब क्या किया जाए? तब जामवंत ने कहा, जामवंत उम्र में बड़े थे, जामवंत ने कहा कि मेरे ख्याल से तो एक वैद्यराज है वो लंका में रहते हैं, सुषेण उसका नाम है, उसको लाया जाए तो वो सही सलाह बताएगा। तो राम जी कहते हैं अच्छा हनुमान अब जाओ तुम वैद्यराज को लेकर आओ। उमा करत रघुपति नर लीला। और कभी कभी फिर देखो जब हनुमान लक्ष्मण जी दूसरी बार भी मूर्छित हुए, रावण ने भी उनको शक्ति बाण मारा था लक्ष्मण जी को, फिर मूर्छित हो गए, फिर मूर्छित हुए ना, तब फिर राम जी ने हनुमान जी को नहीं कहा जाओ वैद्य को फिर लेके आओ, तब तो राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में कुछ कहा और लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो वानरों ने पूछा आपने इनके कान में क्या कहा जो ये तुरंत खड़े हो गए? राम जी ने कहा मैंने इसको याद दिला दिया कि तुम शेष के अवतार हो, तुम साधारण आदमी नहीं हो, अपनी महिमा में जागो जागो। जाग गया। कभी लीला कैसी, कभी प्रभु की लीला कैसी,
अब पहली बार में बेहोश हुए तब नहीं कहा कि जाओ लक्ष्मण उठो, तब नहीं कहा, तब तो कहते हनुमान जाओ वैद्यराज को लेकर आओ। तो भगवान की और भगवत तत्व प्राप्त महापुरुषों की लीला कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आती तो उस व्यक्ति को भगवान में और गुरु में दोष दृष्टि हो जाती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, दोष देखता है और दोष देखने से फिर वही लाभ से वंचित रह जाता है। वो लाभ कैसे पाएगा, गुरु में दोष देखा, जो निर्दोष नारायण है उनमें दोष देखा, जो निर्विकार हैं उनको विकारी माना। बुद्धि सा पार्थ तामसी। मैं तो कहूं हम सब साधकों को पार्वती जी की एक बात याद रखे ना, कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी के आगे सप्तऋषियों ने शिव जी की भरपेट निंदा की, खूब निंदा की। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, ऐसा खूब निंदा की। तब पार्वती जी ने क्या कहा, अब मैं जन्म शंभुहित हारा, कै गुण दूषण करई विचारा। मैंने ये जन्म शिव जी के नाम कुर्बान कर दिया तो मैं उनके गुण दोष के बारे में क्यों चर्चा करूं। इतना कह दिया, सब ऋषियों की बोलती बंद कर दी। अब मैं जन्म शंभुहित हारा, कै गुण दूषण करे विचारा। एक कन्या है, उसने उसकी बात मैंने सुनी, उसकी सगी मामी उसके आगे गुरुदेव की निंदा करने लगी तो कन्या ने थूक दिया, अपनी मामी के मुंह पर थूक दिया। मामी संबंधी है तो है, सच्चे संबंधी। अब संबंध की बात आई तो मैं एक बात और कहूं। एक होता है पुराना संबंध, सनातन संबंध, पुरातन नहीं सनातन संबंध, और एक होता है नया संबंध, प्राचीन अर्वाचीन कह दो। नए संबंध को व्यक्ति इतना महत्व दे देता है कि पुराने संबंध को भूल जाता है। जैसे कॉलेज में कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, कोई लड़की किसी आवारा लड़के के चक्कर में आ गई तो उसको अपने माँ बाप की याद नहीं रहती, दादा दादी कुछ कहें तो वो बुरे लगते हैं, सब बुरे लगते हैं, केवल वो ही अच्छा लगता है। और फिर गाने गाते हैं, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। हा हा हा, वाह भाई वाह, वाह आपकी बुद्धि, आपकी सोच धन्य है, धन्य 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 अवतार आपका, धन्य धन्य अवतार। राम जी जब वन में जाने लगे तो कैकई जी को कहने लगे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तोषनि हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बार बार जननी कहते हैं, बार बार। मानो राम जी याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा और हमारा सनातन संबंध है। पर कैकई जी को उस समय बात समझ में नहीं आई, राम जी चले गए। फिर भरत जी आए तो उन्होंने जब सारी बात जानी तो अपनी मां को डांटा, खूब गुस्सा किया। गरी न जीह मुख पड़े उन कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, जीभ क्यों नहीं गल गई, वर मांगत भई नहीं पीड़ा, ऐसा वरदान मांगते हुए पीड़ा क्यों नहीं हुई। तब कैकई जी रो पड़ी और उनको राम जी की याद आई कि शायद राम जी ही सच कह रहे थे, सुन जननी मैं जिसको अपना बेटा मान रही थी वो बेटा मेरे को क्या कह रहा है, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, और राम जी मेरे को क्या कह के गए, जननी कह कर गए। और भरत जी ने भी मन में सोचा कि मां ने नए रिश्ते को महत्व दिया है, मैं तो इस जन्म का उनका बेटा हूं, इस जन्म का संबंध है, बाकी भगवान के साथ तो सनातन संबंध है,
तो मां नए संबंध को महत्व दे रही है, पुराने संबंध को भूल रही है। तो मां को पुराना संबंध याद आ जाए उसके लिए मुझे कटु शब्द बोलने पड़ेंगे। और भरत जी ने कटु शब्द बोले और मां को पुराने संबंध की याद दिला दी, नए संबंध की आसक्ति तोड़ दी। और जब राम जी अयोध्या लौट कर आए तो राम जी ने कैकेयी जी को प्रणाम करके कहा, क्यों मां, मैं तुमको कह रहा था तू मेरी जननी है, अब विश्वास आया कि नहीं आया? तब कैकेयी जी रो पड़ी और राम जी को हृदय से लगा लिया। तो ये पुराना संबंध जो है, सनातन संबंध जो है, उसको जब व्यक्ति भूल जाता है और नए में उलझ जाता है तभी दुख आता है। कैकेयी जी पुराने को भूली, नए में उलझी, तो पति ने त्याग कर दिया, फिर विधवा हो गई, फिर पुत्र ने भी तिरस्कार कर दिया, कितना अपमान, कितना दुख हुआ। नए संबंध में फंसने के कारण, पुराने सच्चे संबंध को भूलने के कारण, यहां ये मूल में भूल है। मैं बात पूरी करूं, उसने बहुतों के हाथ देख लिए होंगे, अब थोड़ा टाइम देना उसको भी हाथ देखने के लिए। अब ये आया जिसके पास माल था, क्योंकि अब हमारा, हम लोगों का भी टाइम हो रहा है, हाँ टाइम हो रहा है ना, तो जिसके पास माल था उसने कहा मेरा हाथ भी देखो। वो बोला कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप कब आओगे, आपका इंतजार था। हाथ देखा बहुत घुमा घुमा के, इधर 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 कौन सा चक्र है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। बोले आपकी आयु बहुत लंबी है, ये बात तो है, आपके भाग्य में पैसा भी बहुत है, पर आपको पैसा बचता नहीं है, ठीक कह रहा हूं मैं? अब ये तो सबको होता है। आप घर में सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, पर घर में सब आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। घर में कोई कोई लोग आपकी बात मानते नहीं है, बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर बोले एक बहुत अच्छी बात है आपके हाथ में, आप बड़े उदार स्वभाव के हो, आप कभी भी कुछ खाते हो ना तो अकेले नहीं खाते हो। ट्रेन चल रही थी, हवा आ रही थी, फिर भी पसीना आ गया इसको ये सुनकर, धड़कन बढ़ गई कि लगता है ये हाथ देखना नहीं जानता, सामान देखना भी जानता है, किसके सामान में क्या है। हा, बड़ा उदार स्वभाव आपका, ठीक है ठीक है। अब थोड़ी देर में उसको माल वाले को भी भूख लगी, तो उसने डब्बा खोला, खोला तो सोचा कि सलाह तो कर लूं, अब हाथ में बोला है, उदार स्वभाव है तुम्हारा, अकेले नहीं खाते हो, तो आप लोग खाओगे, ऐसा नहीं बोला कि खाओ खाओ आओ, आप लोग खाओगे? तो बोले जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपका उदार स्वभाव तो है ही। ऐसी उन्होंने स्पीड दिखाई, राजधानी एक्सप्रेस तो क्या होती है, जा सुखड़ी ये तू जान, अब नमकीन आए, अब लड्डू का आए, अब ये, और खाखरे थे ना, खाखरे तो ऐसे खाने लगे जैसे राहु चंद्र को निगल जाए, हो रहा ऐसे खाने लगे। पर कैसे चालाक आदमी, उसका माल कैसे निकलवा लिया, पर है प्रयोग काम में लाने जैसा, कभी ट्रेन में नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, परंतु इसमें लोग चालाकी दिखाते हैं, साधना में दिखाए ना, दुखी होने से बचने में ये चालाकी दिखाए ना। दुखेशु अनद्विग्न मनः, सुखेशु विगतस्प्रह, इसमें चालाकी दिखाए कि हम दुखी नहीं होंगे, बस कुछ भी, बेटे को कोई तकलीफ है, बेटी को कोई तकलीफ है, पति को पत्नी को कोई, दुखी नहीं होंगे, हम उनके लिए शुभ संकल्प कर लेंगे, हम उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र जपेंगे कि घर में अमुक व्यक्ति बीमार है, हम महामृत्युंजय मंत्र जपते हो अच्छा हो जाए।
ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। ऐसा करें संकल्प करके तो क्या नहीं हो सकता। अपने में हीनता का अभाव, ये वेद का वचन है। वेद कहता है अपने में कभी भी हीनता का भाव न रखें। अपने में हीनता का भाव रखना अनधिकार चेष्टा करना है। अनधिकार चेष्टा क्यों करना? हीनता का भाव न लाकर सावधानी का भाव हो। मन ध्यान में जप में लगे, न लगे तो प्रार्थना करें। एक आदमी पैसा कमाने शहर में गया, गांव से पैसा कमाया उसने, मेहनत की, फिर एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई। काफी इलाज कराया, पैसे भी खर्चे, पर आज ठीक नहीं हुआ। तो सोचा कि अब और तो कमा नहीं रहा हूं, जो कमाया हूं पैसे खर्च होते जा रहे हैं, तब गांव लौट जाऊं, जितने पैसे बचे तो गांव का शुद्ध हवामान, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, तो वहां लौट जाता हूं। गया जहां तांगे वाले खड़े थे, पूछा भाई मुझे अमुक गांव जाना है, क्या पैसा लोगे? तो कोई 25 रुपये बताए, कोई 30 रुपये बताए। अरे बोले इतना तो मैं नहीं खर्चूंगा। और उस जमाने में बरसों पहले 30 रुपये बहुत होते थे। अरे इतना तो मैं नहीं दूंगा। इतने में एक आदमी आया, बोले मेरे को ये घोड़ा बेचना है खाली 15 रुपये में, घोड़ा। तो उसको हुआ कि वो भाड़ा 30 रुपया मांग रहे हैं, कोई 25 रुपया, ये तो 15 रुपये में घोड़ा, ला 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 ले 15 रुपये, घोड़ा तो मेरा हो जाएगा और वहां पहुंच भी जाऊंगा। तो बैठ गया घोड़े पर और घोड़े को हांके हांके तो घोड़ा 2 कदम आगे चलता तो 5 कदम पीछे चलता, रिवर्स। और वो करे और आगे चलाए, दो कदम फिर चले, 5 कदम पीछे आ जाए। खूब मेहनत की, बेचारा थक गया। पैसा कमाने में इतना नहीं थका था जितना इस घोड़े को हांकने में थक गया। शाम हो गई पर अभी तक इसने पहुंचाने की बात दूर और पीछे ले जा रहा है। 2 कदम चले, 5 कदम पीछे। उदास होकर वो घोड़े से उतर के बैठ गया, सिर पे हाथ रखकर। इतने में एक संत वहां से गुजर रहे थे। बोले क्या बात है भाई, क्यों उदास बैठे हो, क्या कारण है? तो बोला कि ये घोड़ा ऐसा है, मेरे को जाना है इधर और इसको हांकता हूं, 2 कदम चलता है, 5 कदम पीछे आता है, मैं तो परेशान हो गया सुबह से। महाराज ने कहा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटे। अरे बोले महाराज आपको तो बोलना है, प्रैक्टिकल तो मेरे साथ हो रहा है, आपको तो उपदेश देना है बस। नहीं नहीं दुखी नहीं हो, आनंद में रहो, आपको तो बोलना है, हमारी हालत देखो। महाराज ने कहा नहीं, मैं सच कहता हूं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या करूं? बोले एक काम कर, युक्ति से मुक्ति होती है, एक काम कर, तुझे इधर जाना है ना? बोले हां। तो घोड़े पर बैठ जा और घोड़े का रुख मोड़ दे, पीठ उस तरफ कर दे और मुंह इस तरफ कर दे। तुझे जाना है उधर, पीठ कर दे और फिर हांक बैठ के, तो 2 कदम इधर जाएगा, ज्यादा उधर जाएगा ना, 5 पीछे ज्यादा चलता है ना? बोले हाँ पीछे ज्यादा चलता है, तो उधर पीठ कर दे तेरे गांव की तरफ बस, और हांक। बोले 2 कदम इधर आएगा पर 5 कदम पीछे जाएगा, थोड़ा देर सबेर तू पहुंच जाएगा, बाकी इधर तो तू पहुंचेगा ही नहीं। उसको लगा बात ठीक है, महाराज बढ़िया आइडिया दे रहे हैं। घोड़े के मुंह मोड़ के पीठ उस तरफ करके बैठ गया और हांकता गया, पहुंच गया अपने घर के। वाह 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 महाराज वाह, अड़ियल घोड़े को भी सीधा कर दिया। ऐसे ही व्यक्ति का मन भी अड़ियल घोड़े की तरह है, थोड़ा तो गुरु के तरफ, साधना की तरफ चलेगा, ज्यादा संसार की तरफ चलेगा।
अड़ियल घोड़ा है, अड़ियल। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ तो बोलना आप। थोड़ा चलता है, वाह वाह, मंत्र जब दो माला के आनंद आ गया, पर बाकी की आठ मालाओं में इधर जाएगा। जैसे मारित स्वर्ण मृग बनकर आया था तो थोड़ा तो राम जी के तरफ आया, बाकी राम जी को पीठ देकर दूसरी तरफ भागा। तो अड़ियल है अड़ियल। तो गुरु की युक्ति से ये मान जाएगा, सीधा हो जाएगा, गुरु जो कहते हैं वो साधना करें।